बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी एडवर्ब्स, इससे समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एडवर्ब्स क्या है। एडवर्ब का मतलब होता है एड, एड का मतलब होता है एडिशन, वर्ब वर्ब यानी वर्ब के अंदर इंफॉर्मेशन की एडिशन को हम एडवर्ब कहते हैं। इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, ये किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब को डिस्क्राइब करता है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ एक्शन, एक्शन को आप कितनी दफ़ा रिपीट कर रहे हो या कितने टाइम आप रिपीट कर रहे हो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसा आप वर्ब जो कि ऐसा एक ये एडवर्ब, तो आपको समझ आ गई क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को, वर्ब की टाइम ऑफ रेपिटेशन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो वर्ब कितनी दफ़ा रिपीट होता है उसको जो डिस्क्राइब करेगा वो होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वैसे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत से होते हैं लेकिन यहाँ पे हम चंद एक जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, सम टाइम, सेल्डम, रेयरली, नेवर। ऑलवेज, ऑलवेज हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तब यूज़ करते हैं जब हम कोई काम हमेशा करें, यानी हम संडे को भी करें, मंडे को भी करें, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी ऐसा काम जो कि हर रोज़ रिपीट हो, ऐसा काम जो कि हर रोज़ रिपीट हो उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो उसके लिए हम ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। यूजुअली से मुराद होता है आम तौर पर, ऐसा कोई काम जो कि हम आम तौर पर करते हों, मतलब कोई हम हर रोज़ करते हों हम अपनी डेली रूटीन में, लेकिन कोई एक आध दिन ऐसा हो जिस दिन हम वो काम नहीं रिपीट करते हों, यानी वो काम नहीं करते हों, उसके लिए हम, यानी अगर आप उर्दू में कोई जुमला बोलते हैं ना, जी मैं ये आम तौर पर करती हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट जब करोगे तो आप उसके लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली यूज़ करोगे। ना दा जी ओफन, ओफन से मुराद होता है अक्सर, यानी ओफन को उर्दू में अक्सर कहा जाता है। जब भी आप कोई काम अक्सर करते हैं यानी एक दो दिन आप नहीं करते लेकिन अक्सर आप करते हैं, तो उसके लिए आप ओफन का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। देन कम्स टूवर्ड समटाइम्स, समटाइम्स मीन कभी कभी, कभी कभार जब आप कोई काम करेंगे तो उसके लिए आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, समटाइम्स। सेल्डम होता है बहुत कम, जो काम आप बहुत कम करें उसके लिए आप वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से यूज़ करेंगे, सेल्डम। रेयरली होता है, रेयरली का उर्दू मतलब क्या होता है जी, नायाब या कीमती, ऐसा काम जो आपके लिए कीमती हो, मतलब ऐसा काम जो आप किसी एक दिन, वो भी बहुत मुश्किल से किसी एक दिन में कर लें, उसके लिए आप रेयरली का वर्ड यूज़ करेंगे। और नेवर का मतलब होता है कि आप कोई भी काम कभी भी ना करें, ऐसा काम जो आप कभी ना करें, यानी जिस तरह मुसलमान हैं, मुस्लिम्स हैं हम, तो जो मुस्लिम्स होते हैं वो अल्कोहल ड्रिंक नहीं करते, तो अगर हम उनको हम क्या कहेंगे कि जी मुस्लिम विल नेवर ड्रिंक अल्कोहल, यानी वो नहीं पीते कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, उसके लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेवर यूज करेंगे। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला है जी, फॉर्मूला जो है वो है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फ्रीक्वेंसी एडवर्ब एंड प्लस सिंपल प्रेजेंट वर्ब। यानी फॉर्मूले को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल्स लेनी पड़ेंगी। आमना इज ऑलवेज ऑन टाइम इन क्लास, आमना इज ऑलवेज ऑन टाइम इन क्लास, ये जो ये आपको नजर आ रही है क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है, किसी भी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है और मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है, मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है और हेल्पिंग वर्ब से बाद में लगाया जाता है। समझ आ गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये हैं जी एग्जाम्पल्स। सबसे पहले जी, अन्ना ऑलवेज ड्रिंक्स टी विद लंच, यानी अन्ना जो है वो हमेशा चाय पीती है लंच के साथ, तो उसके लिए हमने कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ किया, ऑलवेज। मारिया यूजुअली ड्रिंक्स टी विद लंच, मारिया जो है आम तौर पर चाय पीती है लंच के साथ, तो उसके लिए हमने कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ किया, यूजुअली। हमना ओफन ड्रिंक्स टी विद लंच, यानी हमना जो है वो अक्सर चाय पीती है लंच के साथ, उसके लिए हमने ओफन का वर्ड यूज़ किया। मैरे समटाइम्स ड्रिंक्स टी विद लंच, मैरे जो है वो कभी कभी जो है कभी कभी ड्रिंक कर लेता है टी को लंच के साथ। अली सेल्डम ड्रिंक्स टी विद लंच, अली जो है वो बहुत कम चाय पीता है लंच के साथ। हमाद रेयरली ड्रिंक्स टी विद लंच, और हमाद जो है वो तो बहुत ही कम, कोई एक दिन है जब उसने पी ली हो तो उसके लिए वो बहुत कम चाय पीता है। और आई नेवर ड्रिंक टी विद लंच, और मैं कभी भी चाय नहीं पीती लंच के साथ। तो ये थे जी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी,
उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे. अगर आपको समझ आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस. अल्लाह हाफिज़.